बिजी तो हम दोनों की बिजी है, फिर मुझ में और वीरा में फर्क कैसे कर गई वो? विजी, 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 खाना खाने चलिए ना। विजी एक ही है। ये आपका नया कुर्ता है? हाँ वीरा, कल लोड़ी है ना, तो बीजी उसी के लिए लाई है। बीजी, बीजी मेरे वास्ते की लाई है? बोलो ना बीजी, बीजी बोलो ना, मेरे लिए की लाई है बीजी? वो तेरे लिए ना बीजी बहुत अच्छी से चुन्नी लाई है। सच्ची बीजी, कितने है वो? बोलो ना बीजी। बताओ ना बीजी, कितने मेरी लोरी की चुन्नी? इतने तो एक भी चुन्नी नहीं है। बोलो ना बीजी। वो वीरा, बीज ने कहा कि वो तेनू कल सुबह ही दिखाएंगी। उन्होंने तो मनु पे मना किया था तेनु बताने के लिए, पर तूने पूछा तो मैंने बता दिया। वीजी, कल सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? आपको भी तो आपका कुर्ता अभी दिखा दिया ना। वीजी बोल दो ना। वो वीरा, तेरी है ना सबसे अलग सी सुननी होगी, सबसे अच्छी वाली, इसलिए बीजी तेनु कल सुबह ही दिखाएंगी। हाँ? और सुन, बीजी से कुछ कहना मत, वरना बीजी मनु डांटेंगी कि मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है? ठीक है बीजी, मैं आपको डांट नहीं पड़वाऊंगी, नहीं कहूंगी बीजी से, पर आप खाना खाने चलो बीजी, बहुत भूख लगी है। सबसे अच्छी मेरी लोरी, सबसे अच्छा मेरा दुपट्टा। वीरा, वीरा का मन रखने के लिए तो मैंने कह दिया कि उसका दुपट्टा सबसे अच्छा है, पर अब की करा। अरे आ गए आप, बड़ी देर लगा दी आपने, ढाबे तक ही तो गए थे। प्रीति निहाल, हमारा छोटा कमरा है ना, उसके लिए नया किराएदार। सस्रीकाल जी। सस्रीकाल जी। आओ तुम्हें कमरा दिखा। ये है कमरा, और ये जो फजूल सामान है ना, ये मैं उठवा दूंगा। चंगा जी, तुसी आराम करो। सुनो, ये कौन है जी? कहा तो है किराएदार रहने आ, उसको जगह की जरूरत थी और हमें किराएदार की, तो साथ ले आया। की होया, बड़े परेशान लग रहे हो आप, इतना वक्त कैसे लग गया था? रास्ते में कहीं रुक गए थे क्या? वो सवाल पूछे बिना तेरा मन नहीं मानता ना गुरप्रीत, घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं है। तुझे यही पूछना है ना कि मैं कहीं रतन परजाई जी के यहां तो नहीं गया था? मेरा जवाब है नहीं, नहीं गया था मैं, और कभी जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए हमसे।
तूने जो उनके साथ बदतमीजी की ना, उसके बाद मुझे दरवाजे पे खड़ा रख के कह दिया उन्होंने कभी इस घर में वापस मत आना। तो तू फिक्र मत करना, आज के बाद कभी देर सवेर भी लौट आया ना तो वहम ना कर, तेरे पास ही वापस लौट के आऊंगा। तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूं एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। मैं तो हूं एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा, ओ वीर की अरदास वीरा। रिश्तों की रेखाएं खींचे तू ही बोए तू ही सींचे। हाँ रिश्तों की रेखाएं खींचे तू ही बोए तू ही सींचे। तू ही जाने किसके भाग में क्या लिखना है रब्बा। किस बंधन में बांध दिया रे मन ये मेरा अधीरा। वीर की अरदास वीरा, जिस मंजिल की आस उगाई उन राहों का तू रहबर है। तेरी तो मैं जान न पाया, तुझको मेरी सारी खबर है। तू मेरी रहमत का घर है, रब राखा सब रब दी मेहर है। कोई ना समझा कोई ना जाना, तू समझे मेरी पीड़ा। वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। आप खड़े क्यों, बैठो ना। हाँ मैं बैठता हूँ, तुसी खाओ तो। हाँ अच्छा, आपका ये जो कमरा है ना जी, बहुत ही बढ़िया। चारों तरफ से अच्छी हवा आती है, रोशनी अच्छी है। सच बोलूं बहुत बढ़िया कमरा है। ये कमरा ना बड़ी जिद करके बनवाया था मुझसे संपूर्ण। खैर ये सब छोड़ो, तुसी अपने बारे में कुछ बताओ, कित्थों आए हो? जलंधर, जलंधर से। जलंधर बड़ा शहर है, घर विच कौन कौन है? निहाल जी, मैं
आपसे एक बात पूछूं, सच सच बताना, जी तुसी इत्थे किस काम से आए हो? कुछ नहीं जी, बस कुछ खास नहीं, संपूर्ण से मिलने चला आया था। अपने पिंड की बहुत तारीफ किया करता था, कहता था मेरा पिंड ऐसा है वैसा है, तो मैंने सोचा इस बहाने उसका पिंड भी देख लूं, इसलिए आ गया। और हाँ, कुछ उसे पैसे भी लौटाने थे। पैसे लौटाने थे? मतलब कौन से पैसे? जी कुछ साल पहले धंधे में मंदी आ गई थी जी, तो पैसे की सख्त जरूरत पड़ी थी। संपूर्ण से कुछ पैसे लिए थे, 5 लाख रुपए करीब। सोचा अब पैसे आ गए हैं तो अपना कर्जा भी चुका दूं। 5 लाख रुपए? जी आज तक संपूर्ण ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। उसका किसी के साथ कोई भी लेना देना होता था मुझे सब पता था। वो कभी गुरुद्वारे में 21 की जगह 51 रुपए चढ़ाता था ना, वो भी बताता था मुझे। तो आपको इतनी बड़ी रकम 5 लाख रुपए दे दिया, तुम मुझे बताया नहीं? आप अपने दोस्त से बहुत प्यार करते हो जी। करता हूं नहीं, करता था। वो नहीं प्राची, दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटते। हो सकता है गुस्से की गलतफहमी की धूल उन रिश्तों पे जम गई हो, और आपका प्यार भी उसी गुस्से की धूल के नीचे कहीं तपसा गया है। आज आप बहुत गुस्सा हो संपूर्ण से, शायद शायद उसने बहुत ठेस पहुंचाई है आपको। पर प्राची, एक बार उस गुस्से की धूल को हटा कर देखो, आपको आपका प्यार वहीं मिलेगा। प्राची मैंने देखा है, प्राची आपकी आंखों में प्यार देखा है उसके बच्चों के लिए। और जिस तरह से आपने कहा था मेरा यार, उस एक शब्द में आपका प्यार बयां हो गया। मेरी मानो प्राची, आप आज भी संपूर्ण से उतना ही प्यार करते हो। मैं देख के आता हूं, गुरप्रीत ने खाना खाया नहीं, कुछ जरूरत हो तो आवाज लगा देना। ओए मेरे छोटे चन, ओए मेरी मिर्ची, उठ जा। ओए रब्बा, सत्यानाश, ऐसी चीजें डाल के रखते। छोटे चन, ओए उठ जाओ दोनों। आज लोहड़ी है, त्योहार का दिन है, सोते नहीं पड़े रहते हैं। छोटे चन उठ जा, जब तक मार नहीं खाएगा ना तो उठेगा नहीं। छोटे चन उठ जा जल्दी। उसको भी उठा ले, चल। और एक काम कर, मेरे को जल्दी से वो कुर्ता पहन के दिखा दे जो रतन कल तेरे वास्ते लेकर आई लोड़ी के लिए। वो देखना उसको कि नाप सही है कि नहीं। उठना छोटे चन, पहन के दिखा दे मेरे को कुर्ता। बानू बनू उड़े जी, पहले नाने दो दो। ओए मेरे प्यारे बच्चे, ना बाद में लेना तू, पहले कुर्ता पहन के दिखा दे, बदली करना हो तो कर देंगे ना। अच्छा ठीक है, तू यहीं रुक, मैं कुर्ता लेकर आती हूँ। नहीं मुड़ी जी, कुर्ता इतना ही है मेरे पास, मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। कुर्ता तेरे पास कहाँ से आया पुत्र?
आ गया किसी भी रात को लेकर आ गया। मुर्दा जी अब आप बाहर जाओ, मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। और मैं बाहर जाऊंगी तो ही तो कुर्ता पहनेगा। आयो रब्बा, ओए मेरी छोटी चननी, शर्म आ रही है हाँ? ओ इतना सब पिद्दा है मेरे सामने, तू समझा नंगा घूमा करता था इधर उधर। कुर्ता नहीं उतारेगा? ला मैं उतार तेरा कुर्ता। ओ नहीं मुर्दा, ला मैं उतार। मैं बड़ा हो गया मुन्नू, आता है उतार दो। तू इतना बड़ा हो गया? हाँ। ठीक है ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन छेती छेती करना है समझा। हाँ। जल्दी छेती 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 करेगा तू। हाँ, बाहर जा। मैं पिना। नहीं मोटी चाहिए। की करो मोटी चाची, तो कुर्ता देके बिना मारेंगे नहीं। छोटे चन हो गया, कोई तो कुर्ता पहन रहा है या पूरा तंबू पहन रहा है जो इतनी देर लग रही है हाँ? आऊं चाची? आ जा। ओए छोटे चन, हाय रब्बा, ये क्या किया? ये कितना चुन्नी क्यों पहन ली तूने? ऐसे ही मुड़िया जी, अच्छा लग रहा है ना? ओए अच्छा क्या लग रहा है पुत्र, तूने कभी देखा किसी मर्द को चुन्नी ओढ़े हुए? हाँ भाई कुड़ियां ओढ़ती हैं चुन्नी, समझा? चल उतार इसे। नहीं मुड़ जाएगी। ओए रब्बा क्यों ऐसी रहने दो, अच्छा लग रहा है देखो, रंग मिल रहा है। भाई खोतिया कोई रंग वंग नहीं मिल रहा है, पागल उसकी चुन्नी उठाकर पहन लिए, ऊट पटांग बातें मत कर, चलो चुन्नी। नहीं मुड़ जाएगी। देख सवेरे सवेरे मेरा दिमाग ना खराब करी तू, समझा ना? किसी तरह से उतार चुन्नी, मेरे को देखना कुर्ता सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो उतार। नहीं मुड़ जाएगी, मैंने देख लिया एकदम ठीक है। छोटे चन मेरा कहना मान, समझा? चुन्नी उतार। हाय रब्बो, ये तबाही कैसे मच गई? तूने किया क्या कुर्ते के साथ? जाई जी उठा दिया रणवीनु, उसे बोलो उसे भी उठा दे। चल मुड़ अपनी बेची के पास, ऐसे ही चल। नहीं चल चल नहीं मुड़। रतन पुत्र तू दूध गरम कर, मैं दोनों को उठाती हूँ। ओए क्यों किया तूने ऐसा? हाँ बोल ना, बोल तो क्यों नहीं? मोटी जैसी वीरा का दुपट्टा एकदम सादा था ना, तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे अच्छा करने के लिए मैंने इसमें से काट के वीरा की चुन्नी में लगा दिया। देखो और वीरा के दुपट्टे के चक्कर में अपना कुर्ता फाड़ने की क्या जरूरत थी तेरे को? और की करता मुड़ी जाए जी, आज सुबह तो वीरा ने पता चल गया था ना, और रात रात में कैसे लेकर आता कुछ और? वो वीरा के बारे में सोच लिया, अपनी बीजी के बारे में नहीं सोचा तूने? ओए तेरी बीजी कितने प्यार से लेकर आई थी हम सबके वास्ते लोहड़ी के कपड़े, वो ये फटा हुआ कुर्ता देखेगी तो क्या बोलेगी? वो एक माँ का अरमान होता है अपने पुत्र को नए कपड़ों में लोहड़ी वाले दिन देखने का, लेकिन अब वो अरमान उसका पूरा नहीं हो सकता, नहीं देख सकती वो तेरे को ऐसे। मोटी जी मुझसे गलती हुई है, पर बीजी ने भी तो गलती की है ना, जैसे बीजी मैंने कुछ अच्छा देना चाहती थी उसे, मैं भी तो मेरे विराकनी नु कुछ अच्छा देना चाहूंगा ना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।